माना इलियास वाले इतना ज्यादा एहतराम रखते थे। वहां एक मटके रखे हुए थे कुएं के पास, एक आदमी आया और उसने बाएं हाथ से पानी पीना शुरू किया। जैसे ही हाथ में गिलास पकड़ा तो मस्जिद में से एक मेवाती उठ के भागा, अरे भाई ये भाई अपने हाथ से पी, अपने हाथ से पी, अरे शैतान के हाथ से ना पी, अपने हाथ से पी। ये सब भागा जैसे कोई बहुत ही बड़ी बात पेश आ गई हो। वाले कमरे में से देख रहे थे कि उसने बाएं हाथ से गिलास पकड़ा और मस्जिद से एक मेवाती उठ के भागा उसे पकड़ने के लिए। अरे रे रे क्या कर रहा, क्या कर रहा। शाम को हकीम साहब आए हजरत को देखने के लिए तो उसके चेहरे पर इतनी बशाशर और इतनी तबीयत बेहतर, नब्ज देखी तो बहुत अच्छी। ये इंतकाल से कुछ पहले, चंद दिन पहले की बात। हकीम साहब ने कहा हजरत आपने कोई दवा ली है? हजरत ने फरमाया नहीं दवा तो कोई नहीं ली, लेकिन मेरा काम हो गया। क्या हुआ हजरत? कि मेरा काम ये हो गया कि अब मेरे काम करने वालों में खिलाफ सुन्नत चीज को देखकर नागवारी पैदा होने लगी है। ये हजरत ने फरमाया। क्या हुआ कि क्या हुआ हकीम साहब? हजरत क्या हुआ? कहने के हुआ क्या, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। रात एक मेवाती बाएं हाथ से पानी पी रहा था, दूसरा मेवाती उठ के भागा उसे पकड़ने के लिए कि जल्दी से उससे कहूं जाकर उसके पानी पीने से पहले कि दाएं हाथ से पी ले, दाएं हाथ से। तो मेरे काम का तो मकसद ही यही था कि काम करने वालों में इहया-ए-सुन्नत का फिक्र पैदा हो जाए।